Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So I hope you all having a wonderful day. And my name is Ahmed Afandi. और मैं आपका खादम मुनव्वर सादिक. आज हम अपनी खुशी पर काबू नहीं पा सके जब हमें ये पता चला कि मुझसे शादी करोगे शो अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया. इंतज़ार करते करते आखिर वो वक्त आ ही गया जब ये शो ख़त्म बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया गया. शहनाज हम सब बहुत खुश हैं कि ये शुक्र है हमारी जान छूटी. और सबसे बड़ी बात हमें ये खुश लगी कि शहनाज जब बाहर गई तो वो बहुत खुश नज़र आ रही थी. हमसे ज़्यादा उसकी जो कैद थी वो ख़त्म हो गई है. एक बात का हमें दुख हुआ कि कलर्स वालों ने उसका शो के जो इख्तितामी लम्हात थे उसमें उसकी उन्होंने तोहीन की. और वो जो एक महल्ले में शादियां कराने वाली चाची नहीं होती, वो जो चाची विकास गुप्ता जिसको इन्होंने शो स्टॉपर बनाकर अंदर भेजा था, उसने खाम खा का वो आखिर में एक ड्रामा जो क्रिएट किया और शहनाज को कहा कि आप फिर आपने फिर ये शो किया ही क्यों था, आप शो में आई ही क्यों थी और आप चली जाए, दरवाज़ा खोल दो और जाइए आप बाहर. सलमान खान बनने की कोशिश. हाँ, ये नकली सलमान खान बनकर वो जो एक डायलॉग बोला था भैया, आप उसकी आखिरी एक पल है. बाइज्जत तौर पर उनको रुख्सत करोगे, अब तुम्हारी अपनी गलती. और ये कहना कि तुमने वो मेकर्स का नुकसान करा दिया, कलर्स का नुकसान करा दिया, ये हमें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि वो उसके ऊपर डाल दे. अव्वल तो ये उसकी गलती है सारी, ये उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती थी. आपको सबसे पहले तो शहनाज को बिग बॉस से लेके उसमें डालना ही नहीं चाहिए था, उसको किसी ड्रामा सीरियल में पार्ट दे देते. ये तो सबसे ज्यादा डिजर्व करता था बिग बॉस के हवाले से. आरती को आप लेके आते, आरती के ऊपर ये शो चलता मुझसे शादी करोगे, क्योंकि पूरे बिग बॉस में वही थी जो शादी बार बार कहती थी कि मुझसे शादी करोगे, कि एक ख्वाहिशमंद थी, कभी सिद्धार्थ से, कभी किसी से, कभी किसी से. या फिर पारस को ये अकेले दे देते जो राजा इंद्र बनने का बहुत शौक है उसको. तो बहरहाल हमें ये इसके इख्तिताम पे खुशी के साथ साथ थोड़ा सा हमें ये दुख हुआ कि शहनाज को उन्होंने बिल्कुल ही जीरो करके बाहर निकाला और उसको एंड से पहले ही बाहर निकाल दिया. और देखा जाए तो इसमें शो में अगर जनरल बात करें तो पारस भी गुस्से में ही नज़र आया, क्योंकि जो शो की सबसे हसीन लड़की थी अंकिता, उसने बलराज का नाम ले दिया. और इस वक्त देखा जाए तो जो शो के हीरो हीरोइन है जो लग भी अच्छे रहे थे और वो कामयाब भी एंड पे हुए, वो अंकिता और बलराज नजर आए. तो पारस हो गया जीरो. उसने अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसने क्या किया, उसने वो जो आंचल थी उसको नाम ले दिया, हालांकि हिना की एफर्ट बहुत ज्यादा थी. अंकिता और हिना की एफर्ट अगर शो से निकाल दे तो फिर शो वाकई जीरो, मजीद जीरो हो जाता है. लड़कों ने सारों ने बेचारों ने अपने अपने हिसाब का काम किया था, लेकिन ये शो करता भी क्या. पारस की अम्मी के लिए, आंटी के लिए एक पैगाम ज़रूर है कि वो कहती होती है ना कि तुम लड़कियों की फिक्र ना करो, 36 आएंगी. तो भाई एक इसमें आंटी थोड़ी सी करेक्शन कर ले, आपके बेटी के लिए 36 लड़कियाँ आएंगी और 36 की 36 ही जाएंगी, ये हमें पूरा यकीन है, जैसे उसके करतूत हैं. बहरहाल जी ये तो मजाक की बातें थी. बलराज और अंकिता हंसों का जोड़ा ही लग रहे थे. अंकिता और हिना की एफर्ट बहुत ज़्यादा थी. बाकी संजना गलरानी जो है ना, वो हो गई या पुरानी, उसने बहुत बेचारी ने अपना एक सारे शो में पूरे जो ये महीने का बेचारा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना ही चला गया वो शो, उसमें उसने अपना एक किरदार से नहीं निकली, लेकिन उसकी दाल नहीं गली इस शो में. तो इसी खुशी की खबर के साथ कि ये शो ख़त्म हुआ, हमें तो ऐसा लगा कि जैसे बिग बॉस 14 के लिए ना ये एक नज़र उतारी गई है ये शो निकाल के, कि जब बिग बॉस 14 आए तो वो कामयाब हो, जैसे उसके लिए एक इन्होंने ये कुर्बानी दी है इस छोटे से शो की, उसकी नज़र उतारी है. तो बिग बॉस 13 की कामयाबी के बाद उम्मीद है कि बिग बॉस 14 में अब ये घर दोबारा देखेंगे, तो उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा शो होगा बिग बॉस 14. हमें इंतज़ार रहेगा और सबसे ज़्यादा बढ़कर हमें बिग बॉस में सलमान खान का इंतज़ार रहेगा. कोई गौतम गुलाटी, कोई विकास गुप्ता इस शो का कंपेयर या इस शो को इस हाइट तक ले जा ही नहीं सकता सिवाय सलमान खान की. शहनाज के लिए बेस्ट विशेज हैं कि वो अपना कामयाब हो अपने कैरियर में, हमें बड़ी स्क्रीन पर नज़र आए, उसको बड़ी स्क्रीन पर जाना चाहिए. सिद्धार्थ अगर
उसके साथ उसका कुछ होता है तो ठीक है, वरना उसको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए था। इस शो में भी हमें शहनाज को ये चाहिए था कि वो कुछ ज़्यादा सीरियस ले गई इस शो में। सचमुच तो कोई भी शादी, ना कोई लड़की ना कोई लड़का, कोई भी करने नहीं आया था। तो शहनाज भी इसको फन में लेती, लेकिन उसने इस शो को बहुत सीरियस ले लिया और जैसे वाकई वो शादी करने आई, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भी अगर इस शो को फन में लेती तो मज़ीद बेहतर हो सकता था कुछ कुछ, क्योंकि इसमें सिर्फ वही एक गलती नहीं थी, बेशुमार गलतियां थी। तो इसी ख्वाहिश के साथ कि अब हम ये घर जो है दोबारा बिग बॉस का देखें, तब तक के लिए मुनव्वर सादिक और अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कोरोना वायरस तो इस शो के लिए एक इमदाद बनकर आया, लेकिन आप इससे अपने आप को बचें और बचाएं। अपना माहौल साफ रखने का मशवरा इसीलिए दिया जाता है कि हर बीमारी से बचने का यही एक ज़रिया है कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और अपने इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ सुथरा रखें, जहाँ पे ये इस तरह के जरासीम जो है वो परवरिश पाते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पीस फॉर ऑल।